नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। आज हम लोग नंद बिहारी यादव जी के पास में हैं। नंद बिहारी यादव जी एक जानी पहचानी नाम है। वो एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं और उनका शुमार आरजेडी के फाउंडर में होता है। डेमोक्रेसी के आवाज़ बन के वो उभरे हैं और वो हमेशा उनकी ये कोशिश होती है कि हिंदुस्तान में किस तरह डेमोक्रेसी को बचाया जाए। आइए आज उनसे जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो क्या कह रही है और आने वाला हिंदुस्तान किस सिमत में जा रहा है। आपका वेलकम है जी। आभार है आपको, धन्यवाद। आप तो एक एडवोकेट हो, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ? आप तो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, अभी कहाँ पे हो? जी देखिए, मैं तो प्रैक्टिस वैसे बार का मेंबर मैं धनबाद में हूँ, धनबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करते हैं। केस मुकदमा बड़े केसों में जाते हैं, आसनसोल में भी रहते हैं, बर्दवान भी जाते हैं, और जहाँ तक ये लोकल जो क्षेत्र है अपना शिल्पांचल के न्यायालयों में अपना प्रैक्टिस करते हैं और आपराधिक मामलों का मतलब बाकी सब लड़ते हैं। जी जी एक, जी आपके कितने बाल बच्चे हैं? जी हमारे 3 बेटियां हैं और एक बेटा। क्या करते हैं वो लोग? 3 बेटियों में एक बड़ी बेटी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। अच्छा। सेकेंड बेटी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड है। अच्छा। थर्ड बेटी एक फ्रेंचाइज कंपनी में कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग में है। बेटा जो है अभी आप लोग के दुआ से इसी साल LLB किए हैं, एडवोकेट इस बार ज्वाइन करेंगे आसनसोल कोर्ट में। तो आपका जो पूरा फैमिली वो एजुकेटेड है और बाल बच्चे भी वेल सेटल हो गए हैं, एज ए फादर कैसा लग रहा है जब बच्चे सेट हो जाते हैं तो? देखिए ये सब तो सब जो है मैंने कहा जाए एक तरह से तो ये सब संस्कार का देन है। हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दिया, हमें शिक्षित बनाया। हम खासकर एक दूध बेचने वाले परिवार से थे, एक खटाल से निकले, एक वकील बने, आप लोग के सामने समाज में हैं, और हम लोगों ने बच्चों को जो संस्कार और शिक्षा दिया उस शिक्षा के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आदमी शिक्षित होकर के जो हमारा भारत का संविधान है, बाबा साहब ने जो हमें हक दिया है कि शिक्षित हो, शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। तो ये जो वो तो हम लोगों ने देखा, आप बिल्कुल सिविलाइज्ड हो। आरजेडी के फाउंडर में आप कहा जाता है, आप आरजेडी के फाउंडर में हो, आप लालू के भी बहुत करीब रहे हैं, बहुत करीब हैं। उस वक्त का दौर कैसा था, जब उसके बारे कुछ बताएं? देखिए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पहले जनता दल पार्टी थी और लालू जी मेरे आइडियल हैं, और हम लोग 74 के आंदोलन में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ पटना जयप्रकाश आंदोलन में एक साथ रहे हैं। वो हम लोग से सीनियर लीडर थे, हम लोग भी छात्र रहे हैं वहाँ, तो उसी वक्त से संबंध रहा। और लोहिया और जयप्रकाश के विचारधारा से हम लोग चूँकि प्रभावित रहे हैं और लालू जी को बहुत करीब से हम लोग जानते हैं, और हमें गर्व होता है, हम लोग गर्व से कहते हैं कि आज भी लालू प्रसाद यादव जैसा पूरे इस भारत में कोई समाजवादी नेता नहीं हुआ जिसने समाजवाद के दर्शन को, सिद्धांत को जिसने अमली जामा पहनाया और ज़मीन पर उतार करके समाजवाद को दिखाया, ये लालू जी का पहचान रहा है। देखिए आज का जो हिंदुस्तान है, आज जो पहले तो ये जो हमारा भारत और हिंदुस्तान में फ़र्क कर दिया गया, एक बहुत बड़ी बात। आप पत्रकार हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। देश में जो हमारा 4 लोकतंत्र का स्तंभ है, जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, जिस कार्यपालिका में नौकरशाही भी है, और उसके बाद जो डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण जो विंग है, जो जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जो डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जब जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है,
और जनता ही बनाती है सरकार, तो अपने कार्यों की समीक्षा जनता तक जानना चाहती है, पहुंचता है, तो ये पत्रकारिता पहुंचाती है। आज के दौर में राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां भारत का गणतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। आज गणतंत्र खत्म होता हुआ दिख रहा है। आज से एक साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने बाहर निकल पत्रकार सम्मेलन करके कहा था देशवासियों से आज़ादी के बाद कि जब न्यायपालिका जो एक बहुत बची हुई स्तंभ रही है लोकतंत्र की, अगर उस पर खतरा मंडरा रहा है तो फिर पूरी तरह से गणतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने देशवासियों से अपील किया था कि देशवासी जगो, अगर नहीं जगे तो यह भारत गणतंत्र खत्म हो जाएगा। आज का जो राजनीति है, जो मैं देख रहा हूँ, आज का जो दौर है वह 16वीं शताब्दी जब ब्रिटानिया हुकूमत का जो शासन था हमारे देश में, आज देश फिर से एक बार गुलामी की ओर जा रहा है और आज वही लोग भारत में हुकूमत कर रहे हैं जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को की दलाली किया था और अंग्रेज़ों को बाहर से बुलाकर भारत को गुलाम बनाया था। और आज देश जो है राजनीतिक तौर पर गुलामी के पैरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया चमक रहा है, इंडिया बहुत 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 तेज़ी से, बहुत स्पीड से इम्प्रूवमेंट कर रही है। देखिए, यही तो फर्क है कि जो कोयल, जो कोयल की आवाज़ होती है जी बहुत मधुर होती है जब बोलती है तब, और कौवे और कोयल को जब एक साथ पेड़ पर बैठा दीजिए, जब तक आवाज़ नहीं निकलेगा तो कौवा यह साबित करता है कि मैं ही कोयल हूँ जी। आज जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश को खतरे में और आजाद गुलामी के पैरों में, जंजीरों में बांधना चाहते हैं, वो लोग ही देशभक्त और फर्जी राष्ट्रवाद का बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से जब यह प्रश्न उठाए तो यह जानना चाहता हूँ कि आरएसएस का विंग जो बीजेपी बनकर देश में पार्टी सरकार चला रही है, वह बताए कि उसने देश की आज़ादी में आरएसएस की क्या भूमिका थी। उनको पूछो कि उन्होंने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के केस में अंग्रेजों के पक्ष में किसने गवाही दिया था। नहीं, वो तो आप एजेड आप कर रहे हो, लेकिन जो नई नस्ल है उनको अभी हम लोग देख रहे हैं कि बस मंदिर और मस्जिद के झगड़ा में उलझा दिया गया। लोग ज़्यादा इस पर बहस कर रहे हो, डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, उस पर लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे, पर उनको एक इशू दे दिया गया, मंदिर मस्जिद, कश्मीर और पाकिस्तान, इसी के सिमत क्या हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स सिनेरियो घूम रहा है। ऐसा बात है कि ये एक तरह से प्रोपगंडा है, एक प्रोपगंडा है जो मीडिया चला रही है और सरकार चला रही है। मैंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो मीडिया है, वो पूरी तरह से उस सरकार अधीन और सरकार के लिए प्रोपगंडा का काम करती है। वह गाइडेड है सरकारी तंत्र से कि इन मुद्दों पर जनता को गुमराह करना है। और जहाँ तक आप धर्म की बात करें, जनता गुमराह क्यों हो रही है? जनता गुमराह हो रही है कि जनता, जो जनता को सरकार चाहती है कि यह मूर्ख बनी रहे, उस सरकार चाहती है कि मूर्ख बनी रहे। जब तक आप धर्मों में उलझे रहेंगे, आप मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे, तब तक जो है आप सरकार के जो जो अचीवमेंट है, सरकार ने जो डेमोक्रेसी में जो जिस मैंडेट, जिसके लिए मैंडेट लिया सरकार, सरकार बनाने को पार्टियां, जो पार्टी हुकूमत करती है, वो क्या किया, वो फिर मुद्दा दब जाता है। तो सरकार अपने मुद्दों को दबाने के लिए और जनता को गुमराह करके उसे धर्म के मुद्दों पर, उसके सेंटिमेंट को उभार करे के सरकार यह हुकूमत चलाना चाहती है। चलिए, अच्छा, इतनी सारी तो बातें हो गई, आरजेडी को बंगाल में आप कहाँ पर देखते हो? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के बुनियाद की बनाई हुई पार्टी है और हम लोग सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म को मानने वाले लोगों के साथ हमेशा, हम उन लोगों के साथ, चूँकि बंगाल प्रदेश में जो खासकर
जो हिंदी प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं वही हमारा आधार रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। और बंगाल प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल का है। फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं आप लोग? फ्यूचर में हम लोग आने वाले विधानसभा में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है जी, हम लोग जो यहाँ की जो सबसे अच्छी सेकुलर पार्टी अभी हम लोग तृणमूल कांग्रेस को भी मानते हैं, लेफ्ट को भी मानते हैं, लेफ्ट के साथ हम लोग बहुत दिन रहे, तो हम लोग चाहेंगे कि लेफ्ट जो सेकुलर पार्टियां हैं हम लोग तृणमूल कांग्रेस से भी अपेक्षा करेंगे कि सेकुलर पार्टियों को मिला करके अलायंस करें जो भी, चाहे कांग्रेस भी हो और सेकुलर पार्टियों का एक गठबंधन बने जिसमें हम राष्ट्रीय जनता दल भी थे, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो और कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, खासकर आसनसोल कलकत्ता जो हिंदी डोमिनेटेड बेल्ट है, जहाँ हिंदी भाषी रहते हैं, जहाँ आरजेडी को मानने वाले लोग हैं, लालू जी को चाहने वाले लोग, वो लोग जुड़े हैं आप लोग, वो लोग हम लोग के साथ जुड़े और काफ़ी संभावना है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी हम लोग लड़ेंगे और नगर निगम चुनाव में भी हम लोग आसनसोल नगर निगम में हम लोग कुछ सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल किस्मत आजमाइएगा जी, हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, इन दिनों उन्नाव केस बहुत चर्चित है, आज हम लोग सुबह से देख रहे हैं हर जगह उन्नाव केस का चर्चा है, ये उन्नाव केस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताओ क्या है। देखिए, उन्नाव केस के बारे में मेरी बहुत अस्पष्ट नीति है। उन्नाव का जो केस हुआ है, जो एक मौर्या परिवार की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, मौर्या एक ऐसा वर्ग है जो अन्य प्रदेशों में हमारे यहाँ कोयरी कुशवाहा जिसको कहते हैं जी, कुशवाहा समाज की बेटी के साथ 2017 में 4 जून को उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद बलात्कार होने के बाद जिन परिस्थितियों में वहाँ का जो विधायक घर पर बुला करके बलात्कार किया, विलम्ब से FIR हुआ, FIR करने के बाद उसके पिता, लड़की के पीड़िता के पिता को जिस तरह से यातना दिया गया, फर्जी केस में फंसा कर उसे हाजत में पीटा गया, फिर जेल में उसे भिजवा करके उसे जुडिशियल कस्टडी में जिसकी एक तरह से हत्या कर दी गई, और इतना होता रहा सब कुछ, और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह सरकार इस पूरे केस के में उसकी संलिप्तता है, ये बहुत सीधा साधा इसमें सबूत है, जिसको मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उन्नाव रेप जो केस है इसमें जो अभियुक्त विधायक है, विधायक ही नहीं, खासकर CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर से जो CBI ने इन्वेस्टिगेशन इसका शुरू किया है, इसमें मुख्यमंत्री को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए जी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी उसकी संलिप्तता है, एक बहुत अहम प्रश्न है आपके सामने हम रखते हैं कि जब वर्ष 2018 में रेप केस और पीड़िता के पिता की हत्या के केस का CBI ने जांच किया और 2018 में ही उस जुलाई महीने में चार्जशीट दाखिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन उसमें दिया था कि इस मामले का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से हो, तो 18 में चार्जशीट आ गया और 2019 तक जब उसका ट्रायल नहीं हुआ, जज नहीं बनाया गया, कोर्ट का विशेष न्यायालय का गठन नहीं हुआ, चूँकि लोग नहीं समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रायल की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये राज्य सरकार का जिम्मा होता है, तो जो 2018 से 2019 तक उसने कोई व्यवस्था राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने नहीं किया, और इसी दरमियान उस पीड़िता के मौसी की हत्या हो गई, उसकी चाची की हत्या हो गई, दुर्घटना में एक्सीडेंट करा के मरवा दिया गया, पीड़िता जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसका वकील जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, ये दो हत्याएं हो गई, दो आदमी मौत के सैया पर सोया हुआ है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संलिप्तता है, उन्होंने सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है, एविडेंस को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और उनकी संलिप्त क्यों नहीं उन्होंने 18 से 19 तक ट्रायल शुरू किया, ये एक बहुत बड़ा जाँच का विषय है। इसमें अगर CBI इस बिंदु पर जांच नहीं करती है तो इससे साफ जाहिर है कि CBI जो है इसकी सही जांच नहीं कर रही है, मामला को छुपाया गया,
मामला को छुपाया नहीं गया। फिर देश की न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर जुडिशियरी को हम नहीं मानेंगे, जनता नहीं मानेगी, कैसे मानेंगे? आप हमें बताओ, एक प्रश्न है, आप बताइए कि अभी आप जो कह रहे यूपी का ये हालत है, आप यहाँ पे, हम लोग बंगाल में आते हैं, कहा जाता है बंगाल में सदर राज लगा देना चाहिए, क्या लगता है आपको, दोनों में क्या फर्क है? हम इस एक लाइन इसमें सब जोड़ना चाहते हैं, एक आपसे ही बात, कि 1990 में जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला हुआ और चारा घोटाला पहले से ही चला आ रहा था, जबकि उन्हीं के कॉम्प्लेन पर चारा घोटाला हुआ था और उनके कॉम्प्लेन पर इस मामला को डिस्क्लोज किया गया, सीबीआई को जांच को दिया गया और दिल्ली में किस सरकार सत्ता में बैठे हुए स्वर्णवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस से संबंधित लोगों ने इस मुकदमे में लालू जी को ही साजिशन अभियुक्त बनाया। भारतीय दंड विधान की धारा 120B आईपीसी, जिस जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जिसको कहते हैं, कि लालू जी के साजिश से चारा घोटाला आगे हुआ है, तो साजिशन बिंदु पर उनको अभियुक्त बना दिया गया, ट्रायल में उनको सजा दिलवा दी गई। एक प्रश्न है कि 2018 से 2019 तक से उन्नाव पीड़िता के केस का ट्रायल नहीं हुआ, क्या ये साजिश नहीं है? उस सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया, क्या ये साजिश नहीं है? तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को उन्नाव पीड़ित केस, रेप पीड़ित केस में, ये बलात्कार कांड में उसे 120B भारतीय दंड विधान के तहत उसे अभियुक्त बनाया जा रहा है, क्यों नहीं उसकी जांच होगी? क्यों नहीं? लालू जी इसलिए अभियुक्त होंगे कि वो यादव हैं, वो दलित बैकवर्ड और माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़ते हैं और ये स्वर्ण हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये इसलिए, ये कोई भी अपराध कर दे ये क्षम होगा? ये भारत में न्यायपालिका में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर न्यायपालिका की भूमिका संदेह के घेरे में रही तो भारत जो है वह गृह युद्ध की ओर जा रहा है, होम बैटल की ओर जा रहा है, पूरा देश फिर से एक गृह युद्ध देश में लगेगा, लोग न्याय के लिए युद्ध करेंगे और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है। वो तो ठीक, इस तरह का एक प्रोपगंडा कर करके बंगाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है, वो बात बंगाल में नहीं है। बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, दीदी एक बहुत साफ सुथरी छवि की नेत्री हैं, वो जन नेत्री हैं, वो एक संघर्ष और आंदोलन के गर्व से पैदा हुई हैं और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जो आधारित है, जो उन्होंने सेकुलरिज्म के पॉइंट पर जो राजनीति करती हैं, धर्म निरपेक्षता की राजनीति करती हैं, और जो जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल को टारगेट लिया एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, बंगाल को धार्मिक उन्माद में फैला करके बंगाल की स्थिति को, स्टेटस को और इसके मान सम्मान को बदनाम करना चाहता है। बंगाल में कोई माहौल खराब नहीं है, कहीं माहौल खराब नहीं है। दिल्ली से फंडिंग करा करके पश्चिम बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को एक उन्मादी बनाया जाए। युवा पीढ़ी आ रही है, उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं है, मोरल एजुकेशन का अभाव है और राजनीति में ऐसे लोग आ गए जो केवल निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। पहले हम लोग राजनीति करते हैं, मैं एक बहुत साधारण सा छोटा सा वकील हूँ, मैं अपने को बड़ा वकील नहीं मानता हूँ, लेकिन राजनीति करना मैं एक धर्म मानता हूँ, ये हमारा एक धर्म है जी। समाज में हमारे माता पिता, हमारे लोगों ने पढ़ाया लिखाया समाज के हित के लिए कुछ काम करने के लिए। मैं एक अच्छा वकील हूँ तो जनता का काम करूँगा, तभी लोग मुझे वकील साहब कहेंगे। तो ये ज्ञान नहीं है लोगों में, लोग जो है जो अपराधीकरण के लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो लोग, जिनको कहा जाए, यहाँ कहने में कोई चूक नहीं होना चाहिए, तो जो समाज विरोधी कार्यों में लिप्त लोग रहते हैं, अपने बचाव के लिए राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद वो राजनीति के ओहदे में चले गए, और जब राजनीति के ओहदे में जब ऐसे लोग आ जाएंगे तो वो समाज का हित नहीं सोचते हैं। और जो लोग पार्टी देखिए, ओपोजिशन को डराने धमकाने के रास्ते पर ले जा करके केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो सीबीआई, इनकम टैक्स, उसके बाद ईडी, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, लोगों को उस पर दबाव बनाने के लिए उसका मिसयूज करती है और लोगों को डरा धमका करके इस तरह से कमज़ोर किया है। और ओपोजिशन कमज़ोर नहीं हुआ है, ओपोजिशन जो है सहमा हुआ है और
ओपोजिशन में जब तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ईमानदार और निष्ठावान लोग जब तक राजनीति में पूरे समर्पण की भावना से नहीं आएंगे, तब तक विपक्ष और जनता की आवाज़ सही तरीके से नहीं उठाई जा पाएगी। और उसमें ओपोजिशन की आवाज़ को उठाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया तो एक्टिविटीज हम लोग नहीं देख पा रहे, क्या आप डिपोजिशन दे रहे हो, घेराव कर रहे हो? नहीं, ऐसा बात नहीं, बहुत सी हमारी बातें होती है जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मीडिया उन्हीं बातों को उठाती है जो जिसको आरएसएस पसंद करती है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार पसंद करती है। हम लोगों ने यहाँ बहुत से ऐसे आंदोलन किए हैं, जैसे यहाँ पर दलितों को लेकर के ऊपर जो अत्याचार हुआ, दलितों को लेकर के हमने कितने बार बड़े जुलूस प्रदर्शन किए, लेकिन उसमें ना कि तो कोई अखबार लिखता है, ना उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है, तो वो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, आइए अब आखिर में एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप तो बिहारी समाज से जुड़े हुए हो जी, बिहारी समाज के बारे कहा जाता है कि ये बहुत डेडिकेटेड होते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, बिहारी समाज को बिहारी ना या बिहारी समाज? अच्छा, देखिए खासकर आप ऐसी किसी तंजीम से जुड़े हुए हो बिहारी समाज की जो लोगों के लिए अच्छे काम के लिए तरफ ला रही है? यादव समाज के बारे में देखिए समाज जो है एक अपने आप में इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ कोई संस्था है आप लोगों को जो डिप्लोमेट जी? हाँ, यादव समाज की, यहाँ हमारे यादव समाज के कल्याण के लिए संस्थाएं चलती है, यादव समाज को संगठित करने के लिए संस्था, जैसे भगवान श्री कृष्ण लोक सांस्कृतिक समाज है, उसके बाद श्री कृष्ण सेना है, और भी कई अखिल भारतीय यादव महासभा भी लोग चलाते हैं, जिसके कुछ लोग हैं, चलता है। इसमें अच्छा क्या काम करते हैं? देखिए अच्छा काम है, देखिए हम लोग लोगों के हित के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो यादवों के कुल और इष्ट देव रहे हैं, जिन्होंने गीता का संदेश पूरी दुनिया को दिया है, ज्ञान का दीप जलाया है गीता के माध्यम से, हम लोग यादव समाज के साथ साथ जो समाज के सभी वर्ग के लोगों को हम लोग जागृत करना चाहते हैं कि जो धर्म है, जो धर्म की, जो आज की जो धर्म की परिभाषा दी गई है, पूरी तरह से समाज के लिए वो है रिजेक्टेड है, स्वीकृत नहीं है। अच्छा, जो गीता श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा दिया है, जो धर्म के बारे में जो उन्होंने परिभाषित किया है कि कर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, मनुष्य जीवन में वही पाता है जो वह कर्म करता है, कर्म से ही मनुष्य दंडित होता है और कर्म से ही मनुष्य पुरस्कृत होता है, यह भगवान श्री कृष्ण, यही चीज़ हम लोग समस्त यादव समाज छोड़िए सबको हम लोग बताने का काम करते हैं। और भगवान कृष्ण जो खासकर यादवों के लिए ही नहीं दुनिया के लिए कहा कि जुल्म अन्याय अत्याचार अधर्म और असत्य के खिलाफ खड़ा होना ही यादवों की पहचान है और वह श्री कृष्ण की पहचान है, और यही हम लोग मैसेज लेकर के चलते हैं। खासकर ढोंग पाखंड अंधविश्वास जो आज धर्म के नाम पर जो फैलाया जा रहा है, उसका हम लोग टोटल विरोध करते हैं, ये हम लोग का एक मैसेज है समाज के। चलिए, आपने हम लोग के साथ बात की, हम लोग अच्छा लगा, और दिन दुनी रात चौगी बढ़े, आप लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद।